तो भाइयों, अब हम चल रहे हैं विंध्याचल देवी मंदिर, या आपका पालमपुर मेन सिटी से अंदर है थोड़ा सा, सौरभ वन विहार के पास। सौरभ वन विहार आपका एक तरफ रह जाता है और दूसरी तरफ आपका विंध्याचल देवी टेंपल, और उसके बाद आगे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको चखनी माता टेंपल मिलता है। तो अब हम आज कोशिश करेंगे दोनों ही जगह कवर करने के लिए आपके लिए। सो अभी हम चल रहे हैं, पहले हम जाएंगे विंध्याचल देवी टेंपल, और रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको साइन बोर्ड भी दिख जाएगा मेरे राइट में, अभी पीछे गया तो वहाँ भी देख सकते हैं कि आपको कैसे कैसे जाना है। बाकी गूगल बाबा जिंदाबाद, अगर आपको कभी भी वे आउट देखना हो, कैसे पहुंचना है, तो आप गूगल पे सीधा डालें और ये आपको गाइड कर देगा वहां तक के लिए। बाइक गाड़ी आप कैसे भी आ सकते हैं, बाइक से आना चाहें तो बाइक से भी आ सकते हैं, गाड़ी भी आपकी जाती है। रास्ता बिल्कुल साफ है, पक्की सड़क है, तो कच्चा रास्ता नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर देखने के लिए। तो आप अगर आना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं, ये भी आपका एक अलग रहेगा डेस्टिनेशन अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आना चाहें तो। नॉर्मल आपके यहाँ के लोकल तो आते रहते हैं यहाँ पर, बाकी टूरिस्ट अगर जैसे आते हैं, या अगर आप आउट ऑफ हिमाचल और अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर, तो आपके लिए कवर करने के लिए ये यहाँ पे तीन जगह हैं, सौरभ वन विहार, विंध्याचल देवी टेम्पल, उसके अलावा आपका जखनी माता टेम्पल है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। काफ़ी हाइट में है बट जखनी माता टेम्पल तो आपका हाइट में रहेगा, बाकी ये आपका ज़्यादा हाइट में नहीं है। बाकी सौरभ वन विहार भी है, उसके लिए आपका जहाँ से रास्ता आपका अलग होगा मैं आपको दिखा दूँगा। जहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक सौरभ वन विहार के लिए, दूसरा आपका विंध्याचल देवी टेम्पल, और फर्दर वो आगे आपका जाता है जखनी माता टेम्पल, पहाड़ पे है वो भी, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। वहाँ से आपका नियर बाय सौरभ वन विहार अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर्स के रेडियस में रहेगा। बाकी अभी हम चल रहे हैं, तो रास्ता मैंने आपको कवर यहाँ पे कर रहा हूँ साथ साथ, सो दैट आपको एक नॉर्मल रफ आइडिया रहे। बाकी पहुंच सकते हैं आप सीधा गूगल मैप में डालकर, डायरेक्ट वो आपको रास्ता दिखा देगा। स्टिल मैं आपको बट शो कर रहा हूँ, सीनरीज आप सामने देख सकते हैं, व्यू आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा देखने के लिए। पहाड़ हैं आपके रास्ते में, स्नो फॉल हो रखा है, मैं भी यहाँ पर ज़्यादा आता नहीं हूँ, ज़्यादा मतलब इन रोड्स पे ड्राइव भी नहीं करता, सिंगल रोड हैं आपके, सो ड्राइविंग आपको जो करनी होगी बिल्कुल संभल के करनी होगी, सो दैट कोई मिस हैपनिंग या एक्सीडेंट ना हो। बाकी व्यू देख सकते हैं आप मेरे स्क्रीन पे, आपको व्यू बहुत अच्छा दिखेगा, व्यू काफ़ी अच्छा, वर्थ है यहाँ पर आपका आना अगर आप शौकीन हैं इन चीज़ों के। बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सामने आपका 500 मीटर के नीचे रेडियस से आपकी ये सौरभ वन विहार है, और ये यहाँ पे जो खड्ड है, खड्ड बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली, नदी तो नहीं बोलते, तो ये आपके फेमस है पत्थरों के लिए, सिर्फ यहाँ पर आपको पत्थर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अभी यहाँ पर 1-1.5 साल पहले बाढ़ आई थी, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर ऊपर से आ गए थे। सो ये जो आप देख रहे हैं डाइवर्जन, अब यहाँ से मैं राइट के लिए जाऊँगा तो ये जाएगा आपका विंध्याचल देवी, और ये लेफ़्ट के लिए जो आपका गया, ये आपके लिए रास्ता गया सौरभ वन विहार के लिए। अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल विंध्याचल देवी टेम्पल, और उसके बाद फर्दर हम जखनी माता पहुँचेंगे। तो मैं अभी आपको मंदिर पहुंच के आपको आगे की वीडियो और व्यू के बारे में दिखाता हूँ, मिलता हूँ आपसे।
2 मिनट, ये आपका मंदिर का ही रास्ता है, मैं पहुंचने वाला हूं। और मैं यहां पर सिर्फ आपको वे दिखा रहा हूं, सीनरीज आप देख सकते हैं। आपका विध्यांचल देवी टेंपल मेरे लेफ्ट में, पहुंच गया हूं। विद्यावासिनी टेंपल रहेगा, बाकी मैं आपसे मिलता हूँ निकल। तो गाइस ये आपका मंदिर है, सॉरी विद्यावासिनी टेंपल है ये, और यहाँ पर आप ये पूरा मंदिर का आपका मेन एंट्रेंस रहेगा, तो आप देख सकते हैं। बाकी प्रसाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप प्रसाद ले सकते हैं, यहाँ पर ये प्रसाद। जूते आप यहाँ पे उतार सकते हैं। बाकी ये मंदिर है आपका, ये आपका मंदिर है, बस मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगा, कवर नहीं करूंगा यहाँ पर। तो गाइस ये आपका विद्यांचल विद्यावासिनी टेंपल है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। और अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे आपका जखनी माता टेंपल, सीधा यही रास्ता गया है, तो मैं आपको ऑन द वे मिलता हूँ। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से मंदिर के लिए, और आगे आपको मैं व्यू कवर करते हुए दिखाता हूँ। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं, वैसे व्यू काफ़ी आपके इंटरेस्टिंग व्यू मिलेंगे आपको देखने के लिए यहाँ पर। और रास्ते में आपको दिखा देता हूँ, आप पहुँच तो आप ऐसे गूगल मैप की हेल्प से जाएंगे, बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वे आउट शो कर रहा हूँ कि कैसे आप पहुँचे यहाँ पर, कैसे रास्ते से आपको जाना है, बिकॉज़ ये आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा। ये रास्ते आप देख सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हैं। देखिए आपने वैसे देख लिया कि कंजस्टेड है रास्ता, गाड़ी आपको बिल्कुल संभाल के निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो आप आएँ तो टैक्सी भी कर सकते हैं, जहाँ से मैंने आपको दिखाया था दो रास्ते बदल रहे हैं, वहाँ से आप टैक्सी भी कर सकते हैं। और अगर आप अपनी खुद गाड़ी ड्राइव करके आना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपको। बाकी भी हम जा रहे हैं और देखते हैं आगे आपको और क्या क्या मिलता है दिखाने के लिए। व्यू आप देख सकते हैं, व्यू तो आपको मिल ही रहा है देखने के लिए, व्यू को आप एंजॉय करें। बाकी अभी हम जब जखनी माता टेंपल पहुंच जाएंगे तो वहां से मैं आपको आते वक्त यहाँ के बाकी चीज़ें भी कवर करूँगा, आसपास के लोकेशंस देखने के लिए, घूमने के लिए आप आ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो रास्ता है आपका ये, सामने पहाड़ पहाड़ आपको क्रॉस करने होंगे। और ये आपका सॉरी सॉरी वो गाइस, मैं थोड़ा सा रास्ता में देख रहा था तो पता नहीं चला, बट आपको ध्यान रखना होगा ख़ास, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है जैसे आप देख रहे हैं आगे। ये आपको ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। व्यू आप देख सकते हैं सामने, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू रहेगा आपका। बाकी आगे चलते हुए मैं आपको बाकी के साइड व्यूज़ भी कवर करवाऊंगा यहाँ पर। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले पार्ट में।
तब तक प्लीज़ इंजॉय योर व्यूज़।